स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ ह्यूमन स्किन कलर यानी ह्यूमन स्किन कलर जो है वो किस तरीके से पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर होता है पिछले लेक्चर में हमने ग्रेन कलर की वीट ग्रेन कलर की बात की थी और आज हम बात करेंगे ह्यूमन स्किन कलर की तो अगर हम ह्यूमन स्किन कलर की बात करें तो ह्यूमन स्किन कलर हमें पता है कि ये किसकी एग्जाम्पल है ह्यूमन स्किन कलर बेसिकली पोलीजेनिक इनहेरिटेंस की एग्जाम्पल है मतलब ये जो ह्यूमन का स्किन कलर है इसको जीन का एक पेयर कंट्रोल नहीं कर रहा मोर देन वन पेयर जीन के कंट्रोल कर रहे हैं तो इस वजह से इसकी जो इनहेरिटेंस है इसको हम क्या कहेंगे पोलिजेनिक इनहेरिटेंस अगर हम ह्यूमन के स्किन कलर की बात करें तो ह्यूमन का जो स्किन कलर ह्यूमन के स्किन कलर को जो डिटरमिन करता है स्किन कलर को डिटरमिन करता है अमाउंट ऑफ मेलानिन अमाउंट ऑफ मेलेनिन प्रोड्यूस यानी हमारे अगर स्किन जितना ज्यादा मेलेनिन प्रोड्यूस करेगी हमारा स्किन का कलर उतना ही ज्यादा डार्कर होगा और हमारी स्किन जितना कम मेलेनिन प्रोड्यूस करेगी मेलेनिन क्या है पिगमेंट है और ये मेलेनिन अगर जितना कम प्रोड्यूस करेगी तो हमारी स्किन का कलर उतना ही क्या हो जाएगा लाइट हो जाएगा सो so, अवर स्किन कलर डिटर्म बाय द अमाउंट ऑफ मेलेनिन ऑफ द स्किन प्रोड्यूस अच्छा जो डार्क इंडिविजुअल्स होते हैं जिनका कलर डार्क होता है डार्क इंडिविजुअल्स या डार्क स्किन इंडिविजुअल जो डार्क स्किन रखने वाले बंदे होते हैं दे प्रोड्यूस मोर मेलानिन मतलब वो क्या प्रोड्यूस करते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं मोर मेलानिन यानी उनमें मेलानिन जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस होता है किसके मुकाबले में देन लाइट स्किन देन लाइट स्किन इंडिविजुअल्स यानी ऐसे अफराज जिनके स्किन का कलर डार्क होता है वो ज्यादा मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं किसके मुकाबले में जिनके स्किन का कलर लाइट होता है तो इसका मतलब जो लाइट स्किन कलर वाले बंदे होते हैं उनके उनके पास मेलेनिन पिगमेंट कम होता है उनकी स्किन में और जो डार्क स्किन कलर वाले लोग होते हैं उनके स्किन में मैलानिन की अमाउंट जो है वो क्या होता है ज्यादा होता है अब अगर हम इस स्किन के कलर की जेनेटिक बेसिस देखें कि जीन जो है वो कौन से कंट्रोल कर रहे हैं किस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं तो एट एटलीस्ट थ्री जीन एटलीस्ट इसको जो कंट्रोल कर रहे हैं एटलीस्ट थ्री जीन्स तीन जीन के पेयर अगर हम वैसे जीन के पेयर तो थ्री होते हैं लेकिन उसमें जो तीन जीन होते हैं जिस तरह से कैपिटल ए कैपिटल बी एंड कैपिटल सी रेगुलेट अमाउंट ऑफ मेलानिन प्रोड्यूस यानी हमारी स्किन के अंदर जो मेलेनिन प्रोड्यूस होता है उसके अमाउंट को रेगुलेट करने में या उसकी प्रोडक्शन के अंदर कौन से जीन जो हैं वो ये तीन जीन है वो इन्वॉल्व है ये स्किन में जो है वो मेलेनिन की प्रोडक्शन में या उसके अमाउंट को रेगुलेट रखने में इन्वॉल्व होते हैं अच्छा इसके अलावा ये जो स्किन के जीन होते हैं जीन थ्री फॉर्म्स ये जो जी ने इसकी कितनी फॉर्म्स है इनकी थ्री जो है वो फॉर्म्स है और वो थ्री फॉर्म्स कौन सी हैं जैसे ये ए है ए के दो अलील हैं कैपिटल है और स्मॉल है इसी तरीके से दूसरा जो बी है बी की भी दो फॉर्म है कैपिटल बी एंड स्मॉल बी इसी तरीके से अगर हम सी की बात करें तो सी की भी दो फॉर्म अल्टरनेटिव फॉर्म है कैपिटल सी और स्मॉल सी यानी ये जो जीन के कलर जीन जो स्किन के जो जीन है कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी हम स्किन के थ्री जीन्स के हैं तो थ्री जीन्स की जो है वो कितनी अल्टरनेटिव फॉर्म हो गई हर जीन की जो है वो दो अल्टरनेटिव फॉर्म हो गई ए कैपिटल ए स्मॉल है कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल सी स्मॉल बी अल्टरनेटिव फॉर्म तो इसकी कितनी हो गई टोटल दो दो लेकिन अब अगर हम बात करें कि इसके जीन के पेयर कितने होंगे टोटल इसकीन का जीन जो है वो उसको जीन के कितने पेयर कंट्रोल कर रहे हैं टोटल थ्री पेयर कंट्रोल कर रहे हैं कैपिटल कैपिटल ए ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल सी यानी जीन के तीन पेयर और इसमें टोटल जीन कितने हैं टोटल जीन है सिक्स अब ये जीन जो है वो होमोजाइगस कंडीशन में भी हो सकते हैं जैसे आप ये देखें ये ये कंडीशन कौन सी है ये है होमो कंडीशन है और ऐसे इंडिविजुअल का कलर बहुत ज्यादा क्या होगा वेरी डार्क होगा क्योंकि तमाम के तमाम मेलेनिन को रेगुलेट करने वाले तमाम जीन जो है वो मौजूद है इसी तरीके से अगर किसी के पास स्मॉल है स्मॉल है स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल सी अब ये जो है ये भी होमोजाइगस कंडीशन में है लेकिन यहाँ पर कलर क्या होगा वेरी लाइट क्योंकि जो है यहाँ पर मेलेनिन को प्रोड्यूस या रेगुलेट करने वाले जीन यहाँ पर मौजूद नहीं है और अगर किसी इंडिविजुअल का स्किन का कलर कैपिटल है स्मॉल है कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर अगर हो तो ये कंडीशन कैसी आ जाएगी इंटरमीडिएट स्किन कलर आ जाएगा कैसा स्किन कलर आएगा इसमें इंटरमीडिएट जो है वो स्किन कलर हो जाएगा अच्छा अगर इसी को हम इनहेरिटेंस ऑफ स्किन कलर को अगर कंटिन्यू करें तो जो डार्क डार्क स्किन अलील हम आप बात करें कि जो डार्क स्किन अलील है डार्क स्किन अलील रेप्रेजेंट बाय रेप्रेजेंट बाय कैपिटल कैश लेटर यानी कैपिटल लेटर जो है वो डार्क स्किन कलर को जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं मिसाल के तौर पर कैपिटल है कैपिटल बी कैपिटल सी ये तीनों जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं डार्क स्किन कलर को और जो लाइट स्किन अलील हैं, जो लाइट स्किन अलील हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं कौन उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइट स्किन कलर को बाय स्मॉल लेटर स्मॉल कैश लेटर से जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं और स्मॉल कैश लेटर क्या होंगे स्मॉल है स्मॉल बी और स्मॉल सी ये कौन से कलर होगा ये होगा लाइट स्किन कलर मतलब जो डार्क स्किन कलर के अलील हैं उनको कैपिटल कैस लेटर यानी कैपिटल लेटर से शो कर रहे हैं और जो लाइट स्किन कलर के अलील हैं उनको किससे शो कर रहे हैं स्मॉल लेटर से जो है वो शो कर रहे हैं एंड नो अलील ये बात याद रखिएगा कि नो अलील डोमिनेंट कंप्लीटली डोमिनेंट डोमिनेंट ऐसा नहीं है कि एक अलील दूसरे अलील पर हो. आ, मिसाल के तौर पर एक है, के एक है, जैसे एक हेटीरोजाइगस होता है मिसाल के तौर पे कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल बी कैपिटल अब ये जो हेट्रोजाइगस होता है कोई इंडिविजुअल जिसके पास ये तमाम के तमाम जीन जो है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर आ जाए तो ये जो एक्सिबिट करता है एन इंटरमीडिएट फिनोटाइप यानी स्किन का कलर ना तो डार्क होगा ना बहुत ज्यादा लाइट होगा और फिनोटाइप यानी फिजिकली जो स्किन का कलर होगा उसका फिनोटाइप कैसा होगा वो इंटरमीडिएट होगा तो इसका मतलब ये कैसे डोमिनेंस हो गई ये हो गई इनकम्प्लीट डोमिन अगर ये कंप्लीट डोमिनेंस होता तो इस वक्त स्किन का कलर डार्क हो जाता कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी डोमेंट हो जाते लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ जब एक डार्क स्किन कलर वेरी डार्क मैरी करता है किसी आ, वेरी लाइट स्किन कलर से अगर वो दोनों होमोजाइगस हैं तो उनके जो ऑफिसिंग होते हैं उनमें अगर ये कंडीशन आती है उसमें क्या कौन सी कंडीशन आ जाती है इंटरमीडिएट फिनोटाइप आ जाता है यानी ना ही प्योरली डार्क और ना ही बहुत ज्यादा लाइट एक इंटरमीडिएट कंडीशन आ गई तो इसको हम क्या कहेंगे इसको हम कहेंगे इनकम्प्लीट तो मतलब स्किन कलर जो है है तो ये polygenic inheritance, लेकिन ये लेकिन किसको शो कर रहा है ये incomplete dominance को शो कर रहा है। अब देखें मिसाल के तौर तो पर कैपिटल बी एंड सी एक्ट एज डार्क स्किन अलील जीनो टाइप यानी अगर जीनो टाइप में कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी आ जाए तो उसका स्किन का कलर कैसा हो जाएगा स्किन का, का कलर डार्क हो जाएगा क्यों डार्क हो जाएगा बिकॉज दे एड पिगमेंट बाय इंक्रीजिंग मेलानिन प्रोडक्शन देखें ये जो कैपिटल है कैपिटल बी कैपिटल सी ये जितने ज्यादा होंगे उतना स्किन का कलर डार्क होगा और उसकी रीजन क्या है उसकी रीजन ये है कि ये ऐड करवाते हैं स्किन के अंदर कौन सा पिगमेंट मेलानिन पिगमेंट यानी जितने ज्यादा कैपिटल लेटर वाले कैपिटल केस वाले जो हैं वो अलील ज्यादा होंगे उतना ज्यादा मेलानिन क्या होगा प्रोड्यूस होगा और उतना ही स्किन का कलर क्या होगा उतना ही स्किन का कलर जो है वो डार्कर हो जाएगा और इसी तरीके से अगर हम बात करें स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल लेटर सी और स्मॉल लेटर सी ये क्या है ये एक्ट एज लाइट स्किन अलील कौन से वाले स्किन अलील हैं ये लाइट स्किन अलील हैं लाइट स्किन अलील हैं तो इसका मतलब क्या है इन जीनो यानी अगर जीनो में हम इनका जेनेटिक मेकअप देखें तो जेनेटिक मेकअप में जितना ज्यादा स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी होंगे तो क्या होगा उसमें जो है वो स्किन का कलर उतना ही लाइट होगा क्यों बिकॉज द इनहिबिट इनहिबिट मेलन प्रोडक्शन क्योंकि वो मेलेन प्रोडक्शन को क्या करेंगे इनहिबिट करेंगे उसको रोकेंगे तो इसका मतलब अलील और जितना ही स्मॉल लेटर वाले अलील उतना ही स्किन का कलर लाइटर और अगर दर, बिल्कुल इक्वल रेशो में होंगे तो स्किन का कलर भी क्या हो जाएगा तो फिर स्किन का कलर हो जाएगा इंटरमीडिएट जैसे देयर आर सेवन डिफरेंट वीट ग्रेन कलर की तरह ही सेवन डिफरेंटीज शेड होते हैं किसके ह्यूमन के स्किन कलर के सेवन डिफरेंट शेड होते हैं रेंजिंग फ्रॉम वेरी लाइट टू वेरी डार्क यानी एक तो वेरी लाइट हो गए और एक क्या हो गए वेरी डार्क वेरी लाइट एंड वेरी डार्क के दरमियान में बहुत सारे सेवन स्किन के क्या होते हैं शेड होते हैं यानी इंसानों के अंदर अगर आप स्किन के शेड देखो तो सिर्फ दो, दो किस्म के जो है वो आपको स्किन कलर नहीं मिलेंगे कि आपको सिर्फ बहुत फेयर मिल रहे हो और बहुत ज्यादा डार्क मिल रहे हों बहुत से इंटरमीडिएट शेड आपको मिलेंगे वेरी लाइट और वेरी डार्क के दरमियान में कोई थोड़ा वेरी डार्क होगा कोई डार्क होगा कोई विटिश कलर होता है फिर विटिश कलर के भी क्या होते हैं डिफरेंट शेड होते हैं अच्छा इस सेवन डिफरेंट टाइप्स के जो है वो ह्यूमन के स्किन के शेड जो है वो होते हैं अब इसी में देखें अगर एक लाइट कलर जो मेल है मिसाल के तौर पे अगर एक डार्क कलर का मेल जो है होमोजाइगस वो मैरी करता है किससे एक लाइट कलर की फीमेल से वेरी लाइट कलर फीमेल अब क्या होगा इनके जो ऑफ स्प्रिंग होंगे इस इनको जब आकर आप क्रॉस कराएं

पीपल जो है वो क्या होते हैं वो इंटरमीडिएट जो है वो शेड रखते हैं और इसको जो है हम इंटरमीडिएट शेड को हम मोलाटो भी कहते हैं इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल करते हैं हम मोलाटो मोलाटो बेसिकली क्या है मोलाटो कहते हैं ऑफ स्प्रिंग ऑफ वाइट एंड ब्लैक पेरेंट्स अब मिसाल के तौर पे अगर किसी की मदर uh, फादर uh, जो है वो अफ्रीकन African हो Africans के जो है वो डार्क कलर होते हैं और मदर यूरोपियन हो तो अब उनके जो ऑफ स्प्रिंग होंगे उनको हम क्या कहेंगे उनको हम कहेंगे मोलाटो तो मोलाटो बेसिकली क्या है एक इंटरमीडिएट शेड जो है वो होता है सो इट वाज ऑल अबाउट ह्यूमन स्किन कलर तो व्हाट आई टोल्ड यू अबाउट ह्यूमन स्किन कलर आई टोल्ड यू दैट ह्यूमन स्किन कलर इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड स्किन कलर हु डिटरमिन द कलर ऑफ स्किन द कलर ऑफ स्किन इज डिटरमिन बाय द अमाउंट ऑफ मेलेनिन व्हाट इज मेलेनिन मेलेनिन इज अ पिगमेंट अब मेलेनिन पिगमेंट कहां से सीक्रेट होता है इट सीक्रेट फ्रॉम सीक्रेट फ्रॉम मेलानोसाइट्स अभी मेलानोसाइट्स क्या होते हैं मिसाल के तौर हमारी स्किन है हमारी स्किन के तीन लेयर्स होती हैं लेयर लेयर को एपिडर्मिस कहते हैं बीच वाली लेयर को डर्मिस कहते हैं और सबसे नीचे वाली लेयर को हाइपोडर्मिस कहते हैं देखो ये एपिडर्मिस है एपिडर्मिस के नीचे सबसे नीचे की तरफ जो है वो यहां पर कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं मेलानोसाइट्स और ये मेलानोसाइट्स क्या करते हैं बेसिकली ये स्किन के कलर का जो है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं ये पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं क्या पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं मेलानिन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं कौन मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं अपर लेवर स्किन मीन दे आर प्रेजेंट इन एंड आफ्टर डेट आई टोल्ड यू एटलीस्ट थ्री जीन्स कैपिटल लेटर ए कैपिटल लेटर बी एंड कैपिटल लेटर सी दे रेगुलेट द अमाउंट ऑफ मेलानिन that produce in our skin and each of gene has has uh, each gene has three forms वैसे तो एक उसकी जो है वो हर जीन की जो है वो थ्री uh, फॉर्म्स होती हैं लेकिन यहाँ पर इस तरीके से आप यहाँ टू टू फॉर्म्स भी इसकी कर सकते हैं जिस तरह ये कैपिटल ए स्मॉल है कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी एंड स्मॉल सी मतलब हर जीन की जो है वो नॉर्मली जो है वो uh, इस तरीके से थ्री पेयर कह सकते हैं फॉर्म तो नहीं है फॉर्म में तो एक, एक जीन की एक कैपिटल ए की दो फॉर्म ले सकते हैं कैपिटल बी की और कैपिटल सी की भी इस तरह से तो इसका मतलब टोटल पेयर कितने होंगे टोटल पेयर जो होंगे जीन के वो थ्री होंगे और ये थ्री पेयर होमोजाइगस में भी हो सकते हैं और हेट्रोजाइगस के अंदर भी हो सकते हैं इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो डार्क स्किन कलर होते हैं डार्क स्किन अलील जो होते हैं उनको हम किस तरह प्रेजेंट करते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से और जो आ, लाइट स्किन कलर जो अलील्स होते हैं उनको हम स्मॉल लेटर से जो है वो क्या कर रहे हैं शो कर रहे हैं और ये जीन्स एक दूसरे के ऊपर कैपिटल ए स्मॉल है ऐसा नहीं है कि कैपिटल ए स्मॉल ए पे डोमिनंट है कैपिटल बी स्मॉल बी पर डोमिनट है हम इनको कैपिटल और स्मॉल लेटर से शो जरूर कर रहे हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कैपिटल ए बी पे डोमिनेट है या कैपिटल बी स्मॉल बी पर डोमिनेंट है या कैपिटल सी स्मॉल सी पर डोमनेट ये आपस में क्या है एक दूसरे पर कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है अगर कंप्लीटली डोमिनेट होते तो एक वेरी डार्क और वेरी लाइट स्किन कलर का जो है वो अगर मैरी करते तो उससे जो है वो डार्क स्किन कलर क्या हो जाता वो डोमिनेंट हो जाता है लेकिन ऐसा नहीं है इंटरमीडिएट शेड भी आ जाता है तो इसका मतलब ये कौन सी डोमिनेंस है दिस इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये कौन सी वाली डोमिनेंस है ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है इसके अलावा एक और चीज जो मैंने आपको बताई कि सबसे ज्यादा जो स्किन का कलर होता है वो इंटरमीडिएट होता है जिसको हम मोलाटो कह रहे हैं और मोलाटो क्या है दे आर द्रिंग ऑफ व्हाइट एंड ब्लैक पेरेंट्स